Hi guys, good afternoon. So let's go. What is the definition of audit? Audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit-oriented or not. So first today we start with the very important, very interesting, बहुत जोरदार चैप्टर, that is what standard costing. Correct एकदम? Yes. पहले तो आज आपने को कुछ भी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं सॉल्व करना है अपने को. आज अपने को सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है क्या है करके. So your aim today should be what? Understanding the concept. जैसे मैंने आज तक आपको बोला है, स्टार्टिंग का आप आधा घंटा एक घंटा जो भी मैं आपको जो प्रवचन देता हूँ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, अगर वो आपको समझ में आ गया, वो अगर आपके बॉडी में फिट हो गया एंड यू कैन डेवलप दी आंसर्स बेस्ड ऑन दैट, तो आगे के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी. सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू अंडरस्टैंड द लॉजिक, बराबर के नहीं. क्लास में जो इलिस्ट्रेशंस बता रहा हूँ उसके आप आंसर्स निकालो, देन वी गो एंड सॉल्व दी एग्जाम क्वेश्चन, आरटीपी क्वेश्चन, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन, रिवर्स वर्किंग वाले क्वेश्चन, जो आपका मन बनेगा वो सॉल्व करेंगे. करेक्ट एकदम? यस. चलिए. So today we only introduced the concept, right? So next 3 to 4 days we are devoting it to standard costing. Correct एकदम? Yes. So एकदम ध्यान से मन लगा के सुनना. बाद में अगर आपकी लिखने की इच्छा होगी तो अपन इसको लिख देंगे. Standard costing. Standard costing. Standard costing. Standard. समझ रहे ना बात को आप? क्या लिखा है यहाँ पे? नहीं, अभी ये बहुत बहुत ज़रूरी है चीज़ समझना. अभी अपन लोग एकदम अलग लेवल में आ चुके हैं, अभी नेक्स्ट लीग में आए हैं. मॉड्यूल 3 स्टार्ट करे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म स्टैंडर्ड? लेट अस डिस्कस वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप. कॉस्ट तो भाई खर्चा, कोई टेंशन नहीं है. बट स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, बेंचमार्क. क्या कहना चाह रहे हो आप? स्टैंडर्ड मतलब क्या कहना चाहते हो? बेंचमार्क. और कुछ, क्योंकि बच्चों को बेंचमार्क का मतलब भी नहीं समझेगा. आपको ही अभी मेरे को ये चैप्टर पढ़ाना है अभी तो. ऐसा, हाँ यार, ऐसा गेम करते हैं. मैं आपको है ना छोटे छोटे से सीड्स देते जाता हूँ, आप उसका है ना कनेक्ट द डॉट्स करते जाओ और आंसर्स अपन डेवलप करते हैं. करेक्ट है ना? सो स्टैंडर्ड मतलब क्या हो गया? बेंचमार्क. और थोड़ा और उसके सिनोनिम्स बताओ. मतलब लेवल सेट कर, मतलब क्या क्या सेंस में, मतलब उसको क्या बोलेंगे? दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज व्हाट बेंचमार्क, दिस इज व्हाट द जनरल लेवल, बराबर के नहीं? एज पर दी एक्सपेक्टेशन कि नॉर्मली इतना होना चाहिए जनरल लेवल, एक्सपेक्टेशन नॉर्मली इतना होना चाहिए. दिस इज व्हाट द स्टैंडर्ड, दैट व्हाट हैपेंस. बोलो यस और नो? यस. सो इसके अपन बहुत सारे नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे अपन इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा, सिंपल एग्जाम्पल. व्हेन आई स्टार्टेड with my costing batch, I गया अभी end में. So when I started with the costing batch, मैंने सोचा था कि भाई मेरा जो batch है ना कितने 100 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगा. इसको क्या बोलते हैं अपन? स्टैंडर्ड. It was what a benchmark, एक जनरल लेवल की यूजुअली 100 लेक्चर में ख़त्म हो जाना चाहिए. बोलो हाँ या ना? एनी डिफिकल्टी? नो. जब आप क्या बोलते हो उसको, घर से क्लास की तरफ आते हो, निकलने के पहले हाँ 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, हाँ 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, बोलो यस और नो? यस. सो आप क्या करते हो, आप सोच के चलते हो कि 10 मिनट में आई विल रीच, दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड। बात समझ रहे मेरी आप? बोलो हाँ या ना। हाँ, जब आप आपका स्टडी प्लान बनाते हो, थोड़ा एग्जाम्पल्स लेते हैं ना अपन, इसको ज़रा कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। जब आप आपका स्टडी प्लान बनाते हो, क्या होता है उस स्टडी प्लान में? ये इतने दिन में कर दूंगा, ये उतने दिन में कर दूंगा, ये तो क्या हो जाएगा, ये एक दिन में खटाखट हो जाएगा, ये तो एग्ज़ाम के पहले कर लूँगा। ऐसा आपने कैसा अनरियलिस्टिक प्लान बनता? कभी बनाया क्या आपने कभी प्लान ऐसे? डायरेक्ट सुबह उठ के पढ़ लूँगा, 10 मिनट में ये ख़त्म, 20 मिनट में वो ख़त्म हो जाएगा। अभी अभी जैसे आपका जो प्लान है, अभी 5 महीने हैं मेरे पास, ये हो जाएगा बराबर। फिर अच्छा अभी 4 महीने रह गए, चल डबल, अभी मैं रात में भी पढ़ूंगा। 3 महीने रह गए, अरे यार अभी टाइम पास नहीं, फ़ोन वोन सब बंद। 2 महीने रह गए, एक काम करता हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही करता हूँ, बाकी छोड़ देता हूँ। सही बात है ना? एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक बस ये सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो सर, अभी मेरे को आते ना क्वेश्चन, फ़ोन सर इंपॉर्टेंट एसेस बता दो ऑडिट के लिए, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो ऑडिट के लिए। भाई ऐसा कैसे इंपॉर्टेंट? बोलते सर मैंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा। भाई अगले अटेम्प्ट के लिए पढ़ ले, कुछ नहीं होगा अभी, लास्ट मोमेंट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो स्टडी प्लान के लिए जो आप नंबर ऑफ डेज डिसाइड करते हो, बराबर के नहीं, या पर्टिकुलर चैप्टर के लिए आप कितना टाइम लगेगा आपको वो डिसाइड करते हो, दिस इज़ नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट एज एक स्टैंडर्ड सेट करते हो, एक लेवल सेट करते हो। बोलो यस और नो? यस। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ व्हाट स्टैंडर्ड। बोलो यस और नो? यस। अब होता क्या है आगे, जब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि दिस इज़ व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड है। वॉट कैन हैपन ओवर हियर, हम लोग इसको एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ मैच करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, एकदम अगर समझेगा ना बेसिक बेसिक लेवल पे जाके समझो, उधर ही खलास, एकदम सिंपलिस्टिक लेवल पे पढ़ाऊंगा मैं, बराबर के नहीं। सो अगर मैं एक्चुअल में देखूँ तो क्या हो सकता है, मेरे को 120 लेक्चर लग सकते हैं। इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ 120 लेक्चर लगेंगे, ऐसा नहीं है, बस समझ लो करके कि 120 लेक्चर लग सकते हैं मेरे को। बोलो हाँ या ना? होम टू क्लास, बराबर के नहीं, कभी मैं 5 मिनट भी पहुँच सकता हूँ, या कभी कभी मुझे 20 मिनट्स भी लग सकते हैं। सो लेट अस से आई रीच्ड इन व्हाट 5 मिनट्स। यहाँ पे स्टडी प्लान के लिए मैंने 10 डेज दिए थे कॉस्टिंग के लिए ख़त्म करने के लिए। 10 दिन में मैंने सोचा कि मेरा कॉस्टिंग निपट जाएगा, बट एक्चुअल में क्या हो गया, आपको लग गए कितने नंबर ऑफ डेज? 12 डेज। यू रिक्वायर्ड व्हाट? 12 डेज। ऐसा हो सकता है ना? इसको हम लोग क्या नाम देंगे? एक्चुअल है, तो अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ स्टैंडर्ड को और एक्चुअल को, बराबर की नहीं। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? दोनों के डिफरेंस को क्या नाम देंगे? लॉजिकली आपको अंदर से आवाज़ आनी है आपकी, इसको क्या बोलेंगे? क्या हुआ, क्या हुआ? यहाँ वर्ड्स भी आपको डेवलप करने हैं तो आपको समझ में आएगा। इसको क्या कहेंगे? हाँ, तो क्या हो गया, एक तो मेरा टाइम, हाँ, बट इन दोनों के बीच में का डिफरेंस, मतलब मैं उसका मीनिंग नहीं पूछ रहा हूँ, हुआ क्या स्टैंडर्ड और एक्चुअल। एक नंबर क्या हुआ यहाँ पे, स्टैंडर्ड और एक्चुअल में से दोनों में क्या हो गया, देयर इज व्हाट डेविएशन बिटवीन द टू। नॉर्मल वर्ड है ये, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, वेरिएंस। डेविएशन हो गया, वेरिएशन आया, वेरिएंस आई। बात समझ में? बोलो हाँ या ना? सो अब जब आप देखते हो यहाँ पे कि देयर इज अ डेविएशन और वेरिएशन, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते रहना, चैप्टर का स्टार्ट है, भयंकर इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक एग्जाम्पल से कहानी शुरू कर रहे हैं अपन। अभी तक सिर्फ मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, कॉस्टिंग तक अभी तक पहुँचा नहीं हूँ। सो वी आर टॉकिंग जनरल राइट नाउ, ठीक है ना? सो अब यहाँ पे डेविएशन कितना हुआ, फर्स्ट इसमें कितना डेविएशन हुआ, 20 लेक्चर्स का। कैसे निकाला आपने 20 लेक्चर्स? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, बराबर। अब यहाँ पे सेकंड में डेविएशन कितना हुआ 5 मिनट्स का, और यहाँ पे डेविएशन कितना हुआ 2 डेज। बट अगर आप स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करते हो तो पॉजिटिव फिगर आ रहा है, कहीं कहीं नेगेटिव फिगर आ रहा है, बोलो यस और नो। यस, सो यहाँ पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? आपने ये वेरिएशन कैसे निकाला सर? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, ये आपका डेविएशन, ये आपका वेरिएंस आया। लोग इसे वरायंस भी बोलते हैं, डजेंट मैटर। सो इट्स वेरिएंस और वरायंस, डजेंट मैटर, बट यूजुअली इट इज कॉल्ड एज व्हाट, वेरिएंस। सो क्या कहेंगे इसको? 20 लेक्चर्स। ये पॉजिटिव वेरिएंस है कि नेगेटिव वेरिएंस है? हाँ, नेगेटिव। सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज व्हाट पॉजिटिव, दिस इज व्हाट नेगेटिव। सो इसे क्या कहेंगे अभी हम लोग? नेगेटिव। मेरा 20 लेक्चर ज़्यादा लग गए, यह अच्छा है कि बुरा है? बुरा है ना। मतलब स्टैंडर्ड तुम्हारा 100 लेक्चर का था, तुमको 20 लेक्चर ज़्यादा लग गए, यह अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है, गंदी बात है ये, बराबर के नहीं। तो अभी तक मैं कॉस्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, मैं नॉर्मल अपनी बात कर रहा हूँ कि हम लोग को कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए तो मैंने अभी सिर्फ वर्ड कौन सा हाईलाइट किया है? स्टैंडर्ड। आई एम नॉट एंटर्ड इन टू कॉस्टिंग ओनली अभी तक, समझे नहीं समझे? स्टेप बाय स्टेप, एकदम बेबी स्टेप्स, ठीक है ना। चैप्टर भयंकर इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अपना बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना तो आपको अनशंट मजा आएगा ये पढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर फॉर्मूलाज है, बहुत सारे वेरिएंसेस निकालने हैं आपको, तो बहुत अलग अलग चीज़ें हम लोग को देखनी है। सो टुडेज लेक्चर इज ओनली ऑन ओनली अंडरस्टैंडिंग दिस वेरिएंसेस, द फॉर्मूलाज एंड हाउ टू डिराइव देम। एकदम आराम से सुनना। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, ये जो क्या 20 लेक्चर्स का नेगेटिव आया, ये अच्छी बात है बुरी बात है? आप क्या बोलते हैं उसको? बोलो ना, बुरी बात है, इट्स नॉट गुड, राइट? सो इसको क्या बोलेंगे अपन? सो इसे हम लोग कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, दी एडवर्स। ब्रैकेट में ए लिखते हैं, नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे इसको? इट इज़ व्हाट, एडवर्स। इट्स रॉन्ग, इट इज़ एडवर्स। बट 5 मिनट जल्दी पहुँच गया ना मैं क्लास को, तो ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। सो दिस इज वी राइट हियर एफ, कॉल्ड एज व्हाट, फेवरेबल। इट्स गुड, इट्स इन आवर फेवर, अच्छा हुआ ये, बराबर के नहीं? यस। यहाँ पे वापस से 2 दिन ज़्यादा लग गए, तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे अपन? एडवर्स। टर्मिनोलॉजी भी समझना, कॉन्सेप्ट भी बेसिक बेसिक समझ में जाना, थोड़ा थोड़ा प्लांट करते जाऊँगा, कोई घाई नहीं करेंगे। सो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि मेरा एक स्टैंडर्ड मैं सेट करता हूँ अपने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कि लगभग ऐसा ऐसा होना चाहिए, करेक्ट है एकदम? यस। एक्चुअल रिजल्ट्स हम लोग को साल ख़त्म होने बाद मिलता है। स्टैंडर्ड साल के शुरुआत में हम लोग बनाते हैं, एक्चुअल साल ख़त्म होने के बाद मिलता है, और फिर हम लोग उसको कंपेयर करते हैं, जो हमने सोचा था और जो हमने पाया है, बीच में सब मुँह माया है। मतलब ये डेविएशन, ये वेरिएंसेस मिले ना अपने को। सो कहीं एडवर्स होगा, कहीं फेवरेबल होगा, करेक्ट है ना एकदम? यस। सवाल आता है अब अगला, ये आपको वेरिएंस मिल गया, कहीं एडवर्स है कहीं फेवरेबल है, ये जान के आप लोग क्या करोगे? अगला सवाल, अगला सवाल कर लिया, वेरिएशन निकाल लिया, डेविएशन निकाल लिया, करूँ क्या आगे? व्हाट टू डू मिस्टर अतुल? ध्यान देना, नहीं तो ऐसा मारेगा ना। हाँ, ऐसे पेन के साथ बाद में खेलना। हाँ, ये डेविएशन, ये वेरिएशन निकालने के बाद मेरे को करना क्या है आगे? व्हाट शुड आई डू? आई डोंट नो व्हाट टू डू। लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, मेरे को करना क्या है? व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप? व्हाई एम आई डूइंग दिस? मेक दी एडवर्स व्हाट, फेवरेबल। कैसा फेवरेबल? कॉन्सेप्ट छोड़ देता हूँ, चलो भैया आज 95 4 लेक्चर और पढ़ाऊँगा, हो गया। ऐसा क्या करूँगा मैं? ट्राई करूँगा मतलब क्या करूँगा? नेक्स्ट टाइम स्टैंडर्ड 120 रखो सर, इतना इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना छोरे। हाँ बोलिए ना, वेरी गुड। सो यहाँ पे जो भी मेरे रीजन्स यहाँ पे मेरे को दिखते हैं कि जो वेरिएंस आया है मुझे, व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू टेक व्हाट, द करेक्टिव मेजर्स। आई विल इन्वेस्टिगेट, आई विल इन्वेस्टिगेट कि व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट इज़ द रीज़न, बराबर के नहीं? कि द नंबर ऑफ लेक्चर्स वर मोर, बराबर। तो मैं जब यहाँ पे देखूँगा कि अच्छा आई टुक 20 लेक्चर्स एक्स्ट्रा हुआ है, व्हाट वाज द रीज़न. सो द फर्स्ट रीज़न आई कम टू नो वाज कि मेरा बैच एक्सटेंड क्यों हुआ, लेट क्यों हुआ. सो आई से कि ओके इट वाज स्टार्टेड लेट, देन वी हैड सम क्या बोलते बीकॉम हॉलीडेज, सो इन बिटवीन देयर वाज अ गैप, सो आई हैड टू रिवाइज द अर्लियर कॉन्सेप्ट एंड देन अगेन स्टार्ट इन द रिदम. ऐसा कुछ मैं रीजंस ये कर रहा हूँ. देन सर्टन फैमिली इशूज़, पर्सनल इशूज़, सिक लीव्स एंड ये वो करते 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 द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स वी सॉल्व एंड ऐसा वैसा ये वो ध्यान में रखते हुए देन आई कम टू नो कि ओके दैट इज़ वाई 20 लेक्चर्स वर एक्स्ट्रा. बोलो यस सर नो, देयर फॉर इट वॉज एडवर्स. देन मे बी वेन आई एंटर इन टू द नेक्स्ट ईयर, बराबर कि नहीं, आई ट्राई टू मेक श्योर कि वॉट मिस्टेक्स हैड हैपेंड और वेयर माई लॉस वॉज देयर, I'll try to take what the corrective measures. I'll try to take what the corrective action. आई बात समझ में, बोलो हाँ या ना. सेम वे में 10 मिनट में मैं सोच के निकला था, 5 मिनट में पहुँच गया. क्या हो सकता है रीज़न, क्या हो सकता है? ट्रैफिक नहीं लगा होगा मेरे को आज, बराबर के नहीं. मेरे को नंबर ऑफ डेज 2 दिन ज़्यादा क्यों लगे, मे बी शायद मैं एक दिन मेरा बर्थडे था तो मैं शायद दोस्तों के साथ घूमने गया था तो पढ़ाई नहीं हुई उस दिन. मैं फ़ोन पे एक दिन बहुत ज़्यादा ही देर लग गया था दोस्तों के साथ. कुछ भी हो सकता है टाइम पास, बोलो हाँ या ना. तो इसके लिए मेरी पढ़ाई नहीं हुई. सो आई ट्राई टू फाइंड आउट द रीजंस फर्स्ट एंड देन टेक व्हाट द करेक्टिव एक्शन. सो द होल पर्पस इट सेटल्स डाउन टू वेयर इज टू बी एबल टू टेक व्हाट द करेक्टिव मेजर्स, बराबर के नहीं. इमेजिन इफ आई वुड हैव नॉट सेट द स्टैंडर्ड. समझने की कोशिश करना, अगर मैंने स्टैंडर्ड सेट ही नहीं किया होता तो जो एक्चुअल होता वो मेरे को लगता है यही बेस्ट है, यही सही है. मेरे को सही या गलत मैं फ़र्क ही नहीं समझता क्योंकि मेरे पास एक बेंचमार्क, जो आपने अभी वर्ड बोला, मेरे को मेरे पास एक लेवल ही नहीं है कि मैं उसको किसके साथ कंपेयर करूँ करके. आई बात समझ में आपको. सो द एंटायर थिंग इज़ व्हाट इट गोज़ इनटू स्टेजेस लाइक कि फर्स्ट यू सेट द स्टैंडर्ड. स्टेप्स क्या होंगे अभी? फर्स्ट यू सेट द स्टैंडर्ड, you get the actual results, you compare it with the actual results, you get the deviation, you get the variance. वो variance मिलने के बाद you have the variance either positive or negative, that is whether it is an adverse or favorable, and accordingly you try to take what? The corrective measures. सही बात है. Concept समझ में आया क्या है? Bottom line of the chapter. Yes. In this chapter, what are we supposed to do? Question will provide you all the data. It will give you standard, it will give you actual. Every data will be given. You are required to only find out what the variance is, the different types of variances. आई बात समझ में, बोलो हाँ या ना. Yes. That is the entire purpose of setting of standards. अभी तक सिर्फ किसकी बात हुई? The advantage, the benefit of setting the standards. Clear एकदम? Correct है बच्चों? Yes. Now what happens? Let us take another practical example. ठीक है? Now we enter into what? Costing. This was the example of what? Standard. Now I talk about what is the costing. क्योंकि this is what we are studying. And costing में ये concept क्यों use होता है? Try to understand. It's a very simple formula. कि costing, when we talk about costing, ये बात करता है किसके बारे में? इट्स अबाउट कॉस्ट कंट्रोल. Day 1 से पढ़ते आ रहे हैं. वाई आर वी स्टडिंग कॉस्टिंग? सो दैट वी वॉन्ट टू कंट्रोल द कॉस्ट विदाउट अफेक्टिंग दी क्वालिटी, बराबर के नहीं. सो अगर एक जनरल लेवल हम लोग सेट करते हैं, एक प्राइस लेवल सेट करते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, एक बेंचमार्क सेट करते हैं एंड एक्चुअल रिजल्ट आर वॉट? एडवर्स. तो हम लोग को पता चलेगा ना कि कहाँ पे करेक्टिव मेजर लेना है करके. Then we can plan for what controls. बोलो yes or no. So the purpose of what? Standard costing. सही है एकदम. Yes. जब हम लोग costing की बात करते हैं, so costing में आज तक हमने कौन से चैप्टर्स पढ़े जो मेजर है costing के लिए? Material. Then we studied what is the labor. We studied what? Expenses. उसको मत भूलिएगा, expenses है. And we studied what? Overheads. समझ रहे क्या बात को आप? And we studied what? The overheads. So this chapter, पूरा इतना ज्ञान लेने के बाद अब हम लोग इस चैप्टर में जब आते हैं, पूरा मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 पढ़ के अब हम लोग को बात करनी है अबाउट what? the material variances, labor variances and overhead variances. But overhead में we have two different types of variances. We have fixed overhead variances and दूसरा क्या होगा, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस. सो दिस इज व्हाट बेसिकली द चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट. ऐसे ही आपको वेरिएंसेस निकालने हैं. समझ रहे मेरी बात को? बोलो ना कुछ तो भी. ऐसे ही अपने को वेरिएंसेस निकालने हैं. करेक्ट है एकदम. और मुझे क्या करना है, मैनेजमेंट को बताना है कि आपका ये डेविएशन मटेरियल में इतना, लेबर में इतना और ओवरहेड्स में इतना इतना आया है करके. दिस इज व्हाट द चैप्टर डील्स. करेक्ट है. सो दिस इज व्हाट कॉस्टिंग. सो अब हम लोग पहले किसके बारे में चर्चा करेंगे? फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट, मटेरियल वेरिएंसेस. बोलो यस और नो. यस. क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये समझ में आ रहा है क्या आपको? बोलो बच्चों. सो वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट मटेरियल वेरिएंसेस. अब ध्यान से सुनना. मैंने जैसे कहा, मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके साथ बिल्ड करूंगा, आपसे डिस्कशन करके बिल्ड करूंगा. यूजुअली क्या होता है, बोला फॉर्मूला ऐसा है, बच्चा वो फॉर्मूला नोट कर लेता है, उसको रट लेता है और फिर उसके हिसाब से अलग अलग वेरिएंसेस को निकालता है. मैं आपको ऐसा नहीं कराऊंगा. मैं आपसे पहले वो लॉजिक आपके दिमाग में वो इग्नाइट करूंगा. आप खुद ही सोचेंगे कि भाई क्या हो रहा है करके. एंड देन वी विल सी द फॉर्मूलाज, देन वी विल रिमेंबर द एंड रिटेन द फॉर्मूलाज एंड देन वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स. बराबर के नहीं? पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये. पूरा फॉर्मूला बेस्ड. समझे नहीं समझे? तो फॉर्मूला समझने के लिए लॉजिक समझना बहुत जरूरी है. करेक्ट है एकदम. यस. अब ध्यान से सुनना. मटेरियल वेरिएंसेस, एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई है कि आपको ये वेरिएंसेस ढूंढ के क्या करना है, करेक्टिव मेजर लेना है. मतलब पहले ट्रेस करना है किसकी गलती हुई है, बराबर के नहीं, और फिर ट्राई करना है वो गलतियों को एलिमिनेट करने के लिए. बराबर के नहीं? बोलो हाँ या ना. यस. क्योंकि आप समझने की कोशिश करो. ऐसे बहुत सारे सिनारियोज होंगे. धीरे धीरे मैं आपको, मैं उसके इलिस्ट्रेशंस भी, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी मैं आपको दूंगा जहाँ पर यह कॉन्सेप्ट एक्चुअली यूज़ होता है. जैसे एक सिंपल अगर बोलने के लिए बोलूँ, एक एग्जाम्पल देते हैं. पहले आप ही उसको थोड़ा ना डेवलप करोगे. मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर. अभी इतने महीने आपके साथ बिताए ना, तो आपका नॉलेज बेस अभी एकदम तगड़ा हो गया, मेरे को मालूम है. एक एग्जाम्पल लेते हैं, मटेरियल वेरिएंसेस की बात करते हैं. ठीक है ना? सो हुआ क्या, हमने स्टैंडर्ड हमको लगा था कि प्रोडक्शन करने के लिए हमको लगेंगे 1000 क्वांटिटी. बराबर कि नहीं? हाउ मच क्वांटिटी वी विल रिक्वायर? 1000 क्वांटिटी. एंड दैट शुड बी परचेस्ड एट द रेट ऑफ ₹10. बराबर कि नहीं? बराबर. यस. उसके बाद एक्चुअल जब हुआ ना तो क्या हुआ, आपने 1100 क्वांटिटी आपने परचेस कर ली. ऐसा करते अपन, थोड़ा बड़ा खेलते. 10,000 और 11,000. थोड़ा फिर क्या है, लोग बोलते हैं सर ज़्यादा अमाउंट हो तो हम लोग गिव अप कर देते, तो उनको प्रैक्टिस करा लेते हैं हम लोग. 11,000 क्वांटिटी एक्चुअल में यूज़ हो गई और ख़रीदी किया कितना, ₹11 में. ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है. स्टैंडर्ड आपका, अभी आपको खुद से कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है, दिमाग लगाना है. सोचो ना कितना मज़ा आएगा कि अगर तुमने खुद से ये एग्जाम्पल से अगर तुमने कॉन्सेप्ट को डेवलप किया. देखो आज आपके लिए नया है ये पूरा. एंड आज अगर आपने इसका जवाब दे दिया ना, यू आर फ्री टू गो. खलास, आज का ओवर लेक्चर. जल्दी छोड़ देगा, एकदम मस्त जवाब देने का. स्टैंडर्ड एक्चुअल, स्टैंडर्ड मेरे को लगा 10,000 यूनिट. मतलब स्टैंडर्ड सोच के चला था, बेंचमार्क कितना था, 10,000 यूनिट लगेंगे और खरीदी भाव रहेगा कितना, ₹10 पर यूनिट. एक्चुअल में क्या हुआ, लगे कितने, 11,000 यूनिट लगे और खरीदी भाव क्या हो गया, 11 यूनिट. अब आपको यहाँ पे बच्चों, आपको यहाँ पे पहले तो टोटल कितना वेरिएंस हो गया ये मेरे को आपने बताना है। ध्यान से सुनना, अभी लगेज कैलकुलेटर मत चलाओ, पहले समझ लो क्वेश्चन को, पहले लगेज कैलकुलेटर मत चलाओ। मेरे को आपने टोटल वेरिएंस कितना है वो बताना है मेरे को, बोलो यस और नो। यस। नंबर टू, मेरे को आपने मिस्टेक बराबर के नहीं, किसकी कितने हद तक है, मैं एकदम बहुत लेमन वर्ड्स यूज कर रहा हूं, किसकी गलती है, मैं एकदम बेसिक मिस्टेक, इसमें आपको मुझे बताना है कि परचेज डिपार्टमेंट की क्या गलती है इसमें, और दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कितनी गलती है। एक तो आपको पहले टोटल डेविएशन ढूंढना है। इस टोटल डेविएशन में मुझे आपको बताना है, आपने मुझे बताना है, करेक्ट है ना, कि हाउ मच इज द मिस्टेक ऑफ परचेज डिपार्टमेंट एंड हाउ मच इज द मिस्टेक ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एंड लॉजिकली दोनों की मिस्टेक शुड कंबाइन टुगेदर बी द टोटल वेरिएंस। सही है, बोलो हाँ या ना। हाँ, सो यू थिंक वेरी केयरफुली, दिस इज द टास्क आई एम गिविंग इट टू यू। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले की गलती कितनी, परचेज डिपार्टमेंट की गलती कितनी, बराबर के नहीं, और टोटल वेरिएंस कितना। आराम से, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ थोड़ा, 1-2 मिनट आप थोड़ा सोचिए, कुछ कैलकुलेशन कीजिए, देखिए सब कुछ आता है क्या आपका। देन वी विल पुट दिस इनटू व्हाट फॉर्मूलाज, बिकॉज फर्स्ट इफ यू डेवलप द लॉजिक बाय योरसेल्फ ना, कि सर दिस इज द आंसर, देन आई विल आस्क यू हाउ डिड यू गेट दिस आंसर, व्हाट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट यू आर गेटिंग दिस, ऑटोमेटिकली अपने फॉर्मूला बन जाएंगे। साहब बात समझो, क्या रटना है फिर क्या करना है, चलो कमन, आराम से, कोई घाई नहीं है, लिखो, वर्किंग करो, सब कुछ आना चाहिए। प्रोडक्शन का मिस्टेक कितना, परचेस वाले का मिस्टेक कितना, करो करो, अपना लॉजिक लगा के करो, एक करना भाई, करना ऐसे, ऐसा मत ये करो कि सर बता देंगे आंसर इसका, सर समझा देंगे इसका आंसर, नहीं। अगर आपसे आया ना, कसम खुदा की इतना मजा आएगा ना आपको पूरे चैप्टर में, अनशंट। सोचिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मिस्टेक, परचेस डिपार्टमेंट का मिस्टेक, ये आपका धंधा है बे, आपने बोला था 10,000 में 10 यूनिट 10 रुपए में खरीदना है, इतना आपने सोचा था इतना होएगा, एक्चुअल रिजल्ट आपके सामने है ना। अब आपको परचेस डिपार्टमेंट वाले का गला पकड़ना है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का गला पकड़ना है, आपका धंधा है भाई, तो किसको कितना जिम्मेदार ठहराओगे आपको निकालना पड़ेगा, बिजनेसमैन हो आप, समझ रहे हो मैं क्या क्या चीजें प्लांट कर रहा हूं, मैं कॉस्टिंग नहीं पढ़ा रहा अभी आपको, अब बिजनेसमैन हो, आपका धंधा ही है, आपके धंधे में इतना आपने सोचा था इतना आपको लगा है, आपके यहाँ पे 2 लोग इन्वॉल्व है, यहाँ पे एक परचेस वाला इन्वॉल्व है, एक प्रोडक्शन वाला इन्वॉल्व है, किसका कितना अमाउंट तक गला पकड़ोगे ये आपको निकालना है। यहाँ पे टोटल वेरियंस आपको मिल रहा है, कितने का आया टोटल वेरियंस, 21,000, मतलब कैसा किया आपने, 10,000 इंटू 10, इतना खर्चा लगना चाहिए था 1,00,000 रुपये, और आपको कितना लगा 11,000 इंटू 11, कितना लगा 1,21,000। सो आप अगर इसको देखेंगे तो आपका टोटल वेरिएंस कितना आया, 21,000। श्योर हो आप लोग, पक्का ना, इसमें कोई किसी को भी दुविधा नहीं है कि सर हमारा टोटल 21,000 रुपये का घाटा हुआ है, बराबर के नहीं। अब इस 21,000 के लिए प्रोडक्शन वाला कितना जिम्मेदार, हाँ, प्रोडक्शन वाला कितना जिम्मेदार, 10,000, प्रोडक्शन वाला 10,000, मेरे को नहीं मालूम, अभी आपने टोटल बोल दिया, टोटल वेरिएंस इज 21,000 रुपीज। नाउ अब मैं आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरा अगर धंधा है ना तो मेरे को क्या होना है यहाँ पे कि इस 21,000 में प्रोडक्शन वाले को कितना शेयर कंट्रीब्यूट करा है मिस्टेक में, और परचेस वाले ने कितना मिस्टेक कंट्रीब्यूट किया है। प्रोडक्शन में चलो एक आंसर है, प्रोडक्शन में 10, परचेस में 11, किसी को उल्टा बोलना है क्या, एक ऑप्शन अपने पास ये है ऑप्शन वन ये है। ऑप्शन टू क्या बोल रहे हैं? परचेज का 10 और प्रोडक्शन का 11। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन के लिए कौन कौन है बच्चों? हाथ ऊपर करो। ओके हाँ बेटा तू बता, क्यों आपको ऐसा लगता है कि परचेज का 11 और प्रोडक्शन को 10? अब हम लोग ध्यान से देखना बच्चों, वो परचेस वाले का एक्सप्लेनेशन दे रही है कि परचेस में 11,000 क्यों आया। हाँ बच्चा, परचेस ने क्या बोला था? 10 रुपीज के हिसाब से। हाँ तो उसने 11 रुपीज के हिसाब से उसने खरीद लिया। मतलब आप ये डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर रहे हो 1000 से, डिफरेंस से। अब 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो या किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? दोनों जगह डिफरेंस डिफरेंस से मल्टीप्लाई कैसे करेगा बेटा? किससे मल्टीप्लाई करो, 11,000 के 10,000? हाँ 1000, तो 1000 इंटू 1 इज इक्वल टू 1000, तो 11,000 को मल्टीप्लाई करूँ 1 से, 1000 को 11,000। चलो ठीक है, किसी और को कुछ बोलना है? आएंगे सब लॉजिक पे आएंगे रे, बहुत मजा आएगा आपको। हाँ 11,000 को 1 से करेंगे, क्यों? डिपार्टमेंट ने बोला था कि 10 रुपये पे मिलेगा। डिपार्टमेंट ने बोला था ना कि 10 रुपये। मेरे को नहीं मालूम, आप बताओ आपका। मैंने तो ये क्वेश्चन दिया है आपको। हर यूनिट पे 1 रुपया एक्स्ट्रा लगा। अच्छा हाँ हाँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बोला था कि 10,000 यूनिट्स हमें लगेंगे, उसने 1,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा लिए तो उसका 10,000 का उसने दिया। हाँ चार्ज हो रहा है। क्या भैया क्या करना है? 11,000 10,000 क्या 11,000? बहुत मजा आ रहा ना यहाँ पे सर, मतलब ये 10 और 11 में गेम है पूरा पूरा। बोलो हाँ या ना? 10 और 11 वाले कौन है? परचेस में 10 और प्रोडक्शन में 11। हाँ बेटा, हाँ बेटा तू बोल ले। अभी बच्चों इसकी चर्चा हो रही है वर्चुअल वालों। प्रोडक्शन वाले ने बोला और फिर उसमें 11,000 यूनिट, मतलब उन्होंने बोला 10 लगेंगे पर लगे उसको 11,000 यूनिट और 11,000 को 1 से मल्टीप्लाई। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ यारों, थोड़ा आप और सोचो 1 मिनट के लिए। यू आर गेटिंग वेरी वेरी क्लोज, यू आर गेटिंग क्लोज, डोंट वरी। आई वॉन्ट यू टू रिलैक्स, थिंक। प्रोडक्शन, परचेज, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? थोड़ा आराम से सोचो, कोई घाई नहीं है अपने पास। वी हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। सो अब अगर मैं बात करता हूं, If I talk about production, प्रोडक्शन वाला भैया क्या बोला था? वो बोलते क्यों नहीं? क्या बोलता है वो? 10,000 यूनिट्स लगेंगे, ऐसा बोला ना। वो लगाया कितना? 11,000 यूनिट्स लगाया, सही है ना? अरे बोलो यस और नो। यस, तो ये प्रोडक्शन वाले की गलती है? बोलो बोलो यस। अब इसकी गलती 1,000 यूनिट ज़्यादा लग गए इसको, बट अब इसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करेंगे इज द क्वेश्चन, ठंडे दिमाग से। उसके बाद परचेस वाले ने क्या बोला था कि भैया 10 रुपए में खरीदेंगे, बट एक्चुअल में खरीदा कितने में, 11 रुपए में। तो ये इसकी गलती हो गई। इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से या एक्चुअल क्वांटिटी से? मजा आया कि नहीं आया? देखो अब मेरे को है ना, ध्यान से सुनना रे बच्चों, यहां पे मेरे को रेट चाहिए, यहां पे मेरे को क्वांटिटी चाहिए, क्योंकि अंदर यहां पे क्वांटिटी है, अंदर यहां पे रेट है। अरे बोलो, बहुत बहुत लॉजिक लॉजिक जा रहा है यहाँ मेरे को। आपको इतना तो समझ में आ गया ना, प्रोडक्शन वाला जो होगा उसको मतलब किससे होगा, यूसेज से। सो इसके लिए अपन ने क्वांटिटी का डिफरेंस लिया, या आपने सबने सोचा था? बोलो यस और नो। परचेस वाले को मतलब किससे है, प्राइस से, इसलिए अपन ने प्राइस का डिफरेंस लिया, ये भी आपने सोचा। अब मेरे को क्या होना, वो डेविएशन निकालने के लिए, वो वेरिएंस निकालने के लिए उसको यहाँ पे कौन से रेट से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे कौन से क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो। समझ में आया? मतलब पहली बात तो मुझे ये बताओ, आपने प्रोडक्शन के लिए ये और परचेस के लिए ये सबने सोचा था क्या कि परचेस वाले की गलती क्या होगी, रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रोडक्शन वाले की गलती होगी यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो पक्की बात है। हाँ, अब और सोचो अच्छे से। मेरे को परचेस जब करना है ना, तो मेरे को क्वांटिटी कौन सी लगेगी, एक्चुअल क्वांटिटी या स्टैंडर्ड क्वांटिटी? क्योंकि एक्चुअल वेरिएंस उतना है ना, एक्चुअल परचेस उतना किया है ना, तो उसके हिसाब से उसको वेरिएंस देखना ना। मेरे को तो करना है परचेस। बोलो यस और नो? यस। सो इसके लिए यहाँ पे आपकी क्वांटिटी आएगी कितनी, एक्चुअल क्वांटिटी, मतलब आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे इसको, बोलो ना, 11,000। सो कितना आया डेविएशन, 11,000। सो परचेस के लिए कितना आया, 11,000। बट यहाँ पे कौन सा रेट है अभी, स्टैंडर्ड रेट या एक्चुअल रेट? स्टैंडर्ड रेट। क्यों? ये भी रीज़न चाहिए। प्रोडक्शन वाला क्या बोलेगा, भाई स्टैंडर्ड कितना है, 10 रुपए का खरीदना है। मेरी गलती कितनी है, यूनिट्स में है, बट मेरी गलती में खरीदी भाव कम हो ज्यादा हो, मेरी क्या गलती उसमें? अरे हेलो, प्रोडक्शन वाला क्या बोलेगा, खरीदी भाव तुमने ज्यादा में खरीदा तो मेरी क्या गलती, मेरे को तो तुमने कौन सा रेट लगाना चाहिए, स्टैंडर्ड रेट, क्योंकि मेरी गलती किसमें, यूनिट्स में है, तो मेरी गलती मेजर की जाएगी स्टैंडर्ड रेट को नजर रखते हुए। बराबर के नहीं? अरे बोलो यस और नो। हेलो, यस। सो यहां पे आप क्या करेंगे, इसको कितने से, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो कितना आया टोटल, हाँ 10,000, और यहां पे कितना आया, 11,000। एडवर्स और फेवरेबल, एडवर्स। समझ में आया कि अपना इंटायर पर्पस क्या है, वेरिएंसेस निकालना है। बोलो हाँ या ना, यस। सो अगर मैं यहाँ पे एक सेकंड अभी समझ में आया ना इतना आपको? अरे बोलो, यहाँ पे बेसिक समझ में आया, लॉजिक समझ में आया आपको? अरे बोलो हाँ या ना। टोटल वेरिएंस निकाला आपने, बोलो यस और नो? यस। आपने प्रोडक्शन का और परचेस का वेरिएंस निकाला आपने, आपको लॉजिक समझ में आया? क्या लॉजिक था यहाँ पे कि प्रोडक्शन वाला इज कंसर्न्ड विथ व्हाट, द क्वांटिटी, सो देयरफॉर रेट ही विल कंसीडर विल बी व्हाट, स्टैंडर्ड। बराबर के नहीं? परचेस वाला जो है ही इज कंसर्न्ड विथ व्हाट, प्राइस, बट प्राइस किसको लगेगी, वो वेरिएशन किसको लगेगा, टू द एक्चुअल क्वांटिटी परचेस, राइट? अरे बोलो ना। डेविएशन निकालने के लिए एक्चुअल कितना खरीदा मल्टीप्लाइड बाय द डेविएशन ना, क्योंकि तुमको 10 में खरीदना तो 10 में खरीदते तो नो डेविएशन। बोलो रे, किसी को क्वेरी है तो पूछो इसमें, पक्का बोलो ना बच्चों। यस। सो अब यहाँ पे 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, फॉर्मूला बनेगा क्या? टोटल वेरिएंस क्या हो जाएगा? टोटल वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। देख लो, आपने यही किया था। आपने क्या किया? 10,000 × 10, 11,000 × 11। फॉर्मूला बना क्या आपका? अरे बोलो हाँ या ना। हाँ। सेकेंड, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब मैं आपको प्रोडक्शन वगैरह वर्ड क्या यूज़ होता है अपना, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, बट यूसेज कौन करता है? अब आपके दिमाग में वो प्लांट होएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूज़ होएगा। अरे बोलो यस सर ना। सो मटेरियल यूसेज वेरिएंस, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर यूसेज वेरिएंस? बोलो। यूसेज तो क्या ब्रैकेट में तो पहले क्या डालूंगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विथ व्हाट? स्टैंडर्ड रेट। So that is the formula becomes standard rate into standard quantity minus standard rate into actual quantity. तो आपको दिख रहा है standard is constant. The difference is what only? The difference is what only? The quantity, usage variance. बराबर के नहीं? So this is the formula. Third, क्या बोलेंगे अपन? मटेरियल परचेस का है तो ये कौन सा वेरिएंस आएगा? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला आपने क्या बोला? तुमने कितना एक्चुअल में खरीदा माइनस कितना बोला था कितने में खरीदेंगे माइनस तुमने एक्चुअल में कितना खरीदा। दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। सो अब यहाँ पे आप देखोगे एक्चुअल क्वांटिटी, ये अपना फॉर्मूला बन गया। बोलो हाँ या ना। सो गाइज, ये फॉर्मूलाज लोग रटते हैं, इसको लोग इसके मेमोरी टेक्निक्स बनाते हैं रटने के लिए। अब मुझे बताइए, ये आपको रटना ज़रूरी है क्या? बोलो ना। सेम वे में ये फॉर्मूला जैसे मटेरियल के लिए लगाया ना, सेम टू सेम फॉर्मूला लेबर के लिए लगता है। सिर्फ नाम बदलेगा, यूसेज के जगह आएगा लेबर की एफिशिएंसी और प्राइस के जगह आएगा लेबर रेट वेरिएंस और वेज वेरिएंस। दैट्स इट। समझा नहीं समझा? बस अभी अपने को यूसेज में 2 सब वेरिएंसेस है, एक है मिक्स वेरिएंस और एक है यील्ड वेरिएंस, जो आउटपुट के नज़रिए से है, और जब 2 प्रोडक्ट मिक्स करते हैं तो उसके नज़रिए से, तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट समझ में आया यहाँ तक? फॉर्मूला समझ में आया यहाँ तक? यस, पक्का पक्का जी। सो दैट्स इट फॉर टुडे ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आई होप इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइस। यस, थैंक यू वेरी मच। सी यू गाइस टुमारो एंड विल कंटिन्यू विद दिस ऑसम चैप्टर। बाय बाय।